Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the facilitated diffusion for the class 11th and NEET. In the previous lecture, we discussed the diffusion in very brief. हम लोग ने सब कुछ क्लियर किया था वहाँ पर डिफ्यूजन क्या है. अब यहाँ पे जो टर्म आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो आपको पता चल गया है. नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देखिए. अब फैसिलिटेटेड के मीनिंग कहीं कुछ दी नहीं गई है कि क्या है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक सिंपल टर्म से बताते हैं जिससे आप इसको पकड़ लेंगे. फैसिलिटेटेड, एफ से फैसिलिटेटेड, एफ से फैसिलिटी. फैसिलिटी मतलब कोई भी सुविधा प्रोवाइड करना, कोई भी तरीके का हेल्प करना, उसको फैसिलिटी कहते हैं. इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हम कैसे जोड़ेंगे उसको देखिएगा. तो इस टर्म को याद रखिएगा, एफ फॉर फैसिलिटेटेड, एफ फॉर फैसिलिटी. देखिए, डिफ्यूजन इज डिपेंड, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी एंड साइज. तो डिफ्यूजन डिपेंड किस पे है? साइज पर और सॉल्युबिलिटी पर. साइज स्मॉल और यू कैन से लार्ज, छोटा है या बड़ा है. तो जितना छोटा सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा, और जितना लार्ज है उतना स्लो डिफ्यूजन होगा. सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन सॉल्युबल सब्सटेंस है कि इन सॉल्युबल है. क्लियर? अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें हम लोग, सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं. क्लियर? तो जो लिपिड है, लिपिड इज सॉल्युबल इन नेचर. क्लियर? तो जब चीजें सॉल्युबल होगी तो उसमें जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो इजिली डिफ्यूज कर जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है. अब कोई भी इनसॉल्युबल जो टर्म दिया हुआ है आपको, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक है. तो मॉइटी ऑफ इस सब्सटेंस, मॉइटी मीन्स कोई भी पार्ट, कोई भी पार्ट, कोई भी मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस जब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के थ्रू पास नहीं हो पाता इजिली, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मीन हाइड्रोफिलिक मॉइटी. कोई भी पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू अ मेम्ब्रेन इजिली. तो दे प्रोवाइड अ स्पेस. तो हु प्रोवाइड स्पेस? दीज प्रोटीन प्रोवाइड स्पेस टू मूव इन द सेल. तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटीन स्पेस प्रोवाइड कर रहा है मॉलिक्यूल्स के लिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए, ताकि वो अंदर आ सके. दे कैन एंटर इजली एंड दे हेल्प, दिस प्रोटीन हेल्प्स द मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज. तो ये प्रोटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कैसा, कि वो अंदर मूव कर सके. तो दे आर प्रोवाइडिंग स्पेस, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कौन? प्रोटीन. किसके लिए? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. बात समझ में आ गई होगी. सॉल्युबिलिटी या साइज पे डिपेंड होता है डिफ्यूजन. जितना छोटा होता है उतना होता है फास्ट डिफ्यूजन, और लार्ज होता है तो स्लो. सॉल्युबिलिटी में दो है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड कैसा है? सॉल्युबल है. सॉल्युबल में डिफ्यूजन अच्छे से तेजी से हो जाता है, और इनसॉल्युबल जो हाइड्रोफिलिक है उसमें जो है कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए. तो प्रोटीन प्रोवाइड स्पेस टू टर्न द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्सटर्नल टू इनसाइड द सेल. क्लियर?
अब इसी एक्सटर्नल मूवमेंट को बाहर से अंदर के आने को बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। क्लियर? तो ये सिंपल सा फैसिलिटी डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। बुक वगैरह में आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको सिंपल करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, बाहर कोई मॉलिक्यूल्स है, अब आप अगर ये आपकी मेम्ब्रेन है जो कि आपकी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है, तो यहाँ ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, मान लीजिए ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, तो ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रोटीन से, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, दे बाइंड विद दिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एंड दिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लेटर एंटर दिस मॉलिक्यूल इन द सेल बाय द रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट के थ्रू इसको अंदर ले लेता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, दे बाइंड दिस मॉलिक्यूल एंड दिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लेटर ट्रांसफर टू द इनसाइड द सेल बाय द रोटेशनल मूवमेंट। और इस रोटेशनल मूवमेंट में नो नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है, जो एटीपी हम लोग जानते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो हाई कब होता है या फास्ट कब होता है। ठीक है, व्हेन ऑल प्रोटीन आर यूज्ड, व्हेन ऑल प्रोटीन आर यूज्ड दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड स्टेट आती है। तो ये कंडीशन जब रहती है तो जो ट्रांसपोर्ट का रेट है, जो अंदर से बाहर की तरफ आने का जो प्रोसेस है, वो काफी तेज हो जाता है। ठीक है, नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, काफी स्पेसिफिक होता है क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सेंसिटिव टू इनहिबिटर है। क्लियर? विच यूज टू प्रोटीन ट्रांसपोर्टर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज इट इनहिबिट्स द प्रोटीन विच रिएक्ट्स विद प्रोटीन साइट चेंज, क्योंकि वो उससे रिएक्ट करता है प्रोटीन साइट से, इसलिए काफी सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन्स फॉर्म अ चैनल, वाटर चैनल फॉर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, तो ये चैनल्स फॉर्म करते हैं अंदर आने के लिए। दे में भी फॉर्म ओपन भी होते हैं, कंट्रोल्ड भी होते हैं, और आपके लार्ज इन साइज होते हैं। क्लियर? तो प्रोटीन ही है जो वाटर चैनल फॉर्म करते हैं, और दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द पोरिंस, पोरिंस आर द प्रोटीन, दे फॉर्म अ ह्यूज पोर्स, ह्यूज पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन सम बैक्टीरिया, दीज प्रोटीन्स आर दे फॉर्म अ ह्यूज पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन, सो दैट मॉलिक्यूल्स कैन एंटर थ्रू दीज चैनल। तो यहां पे इसका नाम याद रखिए, पोरिंस प्रोटीन्स है जो होर्स पोर्स बना देती हैं ताकि मॉलिक्यूल्स आ जाए, और यही जो है पोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ही यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्पेस भी प्रोवाइड होता है जिससे मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। क्लियर? तो वाटर चैनल जो फॉर्म होते हैं, वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ एट एक्वा पोरिंस, एट एक्वा पोरिंस। क्लियर?
अब इनके मूवमेंट पे इनके कुछ साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड द यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड द एंटी पोर्ट। क्लियर। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, सिंगल मॉलिक्यूल जब एक ही डायरेक्शन में मूव करे, मान लीजिए एक्स मॉलिक्यूल्स है एक डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिपोर्ट। पोर्ट मीन्स ट्रांसफर होना, यूनि मीन्स सिंगल कोई भी एक मॉलिक्यूल, सिमपोर्ट मतलब कोई दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिमपोर्ट। एंटी मीन्स अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां से एक्स यहां से वाई इधर की ओर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंटी पोर्ट। तो ये है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड वाटर चैनल्स के बेस पे इनके कुछ नाम है। एक्वाप्रोटीन्स, एक्वापोरिन्स एंड पोरिन्स आर द प्रोटीन्स, ये चैनल्स के लिए है। पोरिन्स जो स्पेस प्रोवाइड करता है, ह्यूज पोर्स, दे फॉर्म ह्यूज पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन सो दैट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल बाय द रोटेशनल मूवमेंट। क्लियर। अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है। देखिए फैसिलिटेटेड आपको टर्म बताया हमने, एफ फॉर फैसिलिटेटेड एंड एफ फॉर फैसिलिटी। फैसिलिटी कैसा प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन। और कैसी प्रोवाइड कर रहा है? दे फॉर्म अ स्पेस, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है सो दैट मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली एंटर इन द सेल। दैट इज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बस इतनी सी बात है। अब उसमें आपको नीट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो उसके लिए आपको समझना है कि यहाँ पे जो है स्पेसिफिक प्रोटीन है जो इस पे वर्क करते हैं, तो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द पोरिन्स। दे फॉर्म अ ह्यूज पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन सम बैक्टीरिया। तो प्रोटीन स्पेसिफिक है, तो वाटर चैनल्स का भी फॉर्म करते हैं। वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 एक्वा पोरिन्स, मतलब 8 रास्ते यहाँ पे बनाते हैं जिससे वो इजिली एंटर कर सके मॉलिक्यूल्स। तो उस पे इनका कुछ साइंटिफिक टर्म है, दैट इज कॉल्ड द यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड द पोर्ट। तो सिंगल यूनि मीन सिंगल, सिमपोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, सेम मतलब सेम, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। यहाँ यूनिपोर्ट सिंगल, एक ही डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स तो सेम ही डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज कॉल्ड सिमपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको बोलते हैं एंटी पोर्ट। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जानना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप मेम्ब्रेन, और इस तरीके के काफी टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।